भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला एक बार फिर टल गया। सीएस अब इस मामले पर फैसला 13 अगस्त को सुनाएगी। विनेश फोगाट ने खुद को डिस्क्वालीफाई करने के बाद अटिबरेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है, जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक अब 13 अगस्त को शाम 6 बजे तक इस मामले पर फैसला आ सकता है। दरअसल विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि गुरुवार 7 अगस्त को होने वाले फाइनल की सुबह वजन नापने के दौरान उनका वेट तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। आपको बता दें कि ओलंपिक में रेसलिंग का संचालन करने वाली संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक कोई भी रेसलर अपने वजन से ज्यादा पाए जाने पर पूरे टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित हो जाता है और मेडल जीतने की स्थिति में होने के बाद भी उसे वे पदक नहीं मिलता। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ और 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके चलते विनेश को फाइनल में पहुंचने पर कम से कम जो सिल्वर मेडल मिलना था वो भी उनसे छिन गया और उन्हें सभी पहलवानों में आखिरी स्थान पर रखा गया। इसके बाद विनेश ने 7 अगस्त की शाम को सीएस में अपील दाखिल की, जिसमें सबसे पहले तो फाइनल को रोकने और उन्हें फिर से मौका दिए जाने की मांग की गई थी। सीएस ने इसे तुरंत ठुकरा दिया था और कहा था कि वे फाइनल को नहीं रोक सकते। इसके बाद विनेश की ओर से अपील में बदलाव किया गया और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की गई थी। इस अपील के बाद अगले ही दिन 29 साल की विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था और कहा था कि उनके पास अब आगे लड़ने की ताकत नहीं है। वहीं इस स्थिति में मेडल से चूकने के बाद पूरे देश में निराशा, दुख और गुस्से का माहौल बन गया था। यहां तक कि संसद में भी ये मामला उठा और विपक्ष ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत की, जो पेरिस में ही मौजूद हैं। पीएम ने उनसे मामले की पूरी जानकारी मांगी और हर संभव मदद करने को कहा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा, यह जानकारी कोर्ट ऑफ अटिबरेशन फॉर स्पोर्ट्स ने दी है। बता दें, पहले कहा जा रहा था सीएएस भारतीय समयानुसार 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी में 11 अगस्त को फैसला सुनाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इसे अब फिर 13 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि 9 अगस्त को सीएएस ने 3 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान विनेश भी वर्चुअल मौजूद रहीं। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से सीनियर वकील हरीश सालवे ने विनेश का पक्ष रखा। फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जबकि शुरुआती दौर से पहले किए गए वजन में विनेश 50 किलो वेट कैटेगरी की तय सीमा से कम थी। ऐसे में विनेश ने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।